दिल्ली की आबकारी नीति और उससे जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्य आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि अब 12 मार्च तक बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में आज सुनवाई की और सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया और बाकी अन्य आरोपियों के वकीलों ने कहा कि सीबीआई ने उन्हें जो पेन ड्राइव और सीडी दी है जिसमें उनके आरोप पत्र की कॉपी है वो कंप्यूटर में सपोर्ट नहीं कर रही है, लिहाजा उन्हें हार्ड कॉपी दी जाए। इस पर कोर्ट ने इसका आदेश दे दिया है कि उन्हें हार्ड कॉपी दे दी जाए और इसके साथ ही सीबीआई ने जब इस मामले में अपनी तत्कालिक कार्य रिपोर्ट दाखिल की तो सील कवर में वो रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट पर तमाम आरोपियों की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें उस रिपोर्ट की कॉपी दी जाए जो सील बंद अदालत को दी गई है। इस पर अदालत ने कहा कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट इस समय उनको नहीं दी जा सकती है, उसका खुलासा नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर इनकी ये मांग है तो 2 दिनों के अंदर एक याचिका दायर की जाए, याचिका में ये आग्रह किया जाए कोर्ट से और कोर्ट उस पर फिर सुनवाई करके विचार करेगा, सीबीआई की राय जानेगा कि सीबीआई इसमें क्या कहती है, क्या ये रिपोर्ट दी जा सकती है या नहीं। इसके साथ ही अब ये तय हो गया कि मनीष सिसोदिया 12 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। रही बात उनकी जमानत की, जमानत को लेकर 2 दिन पहले ही अर्जी पर सुनवाई हुई और अदालत ने ईडी की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है जमानत अर्जी को और इसके साथ ही उनकी रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी गई है, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने इस पर एक उपचार याचिका दाखिल की गई है और उपचार याचिका पर अभी कोई फैसला नहीं आया है, तो जब तक फैसला आए तब तक इसे लंबित रखना चाहिए। इस पर कोर्ट ने 2 मार्च की तारीख लगाई है, यानी एक सीबीआई वाले मामले पर 12 मार्च तक न्यायिक हिरासत बढ़ गई और ईडी के मामले में अब 2 मार्च को आगे सुनवाई होगी। तब तक अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ जाता है, हाँ या ना आ जाती है, तब तो बात सही है, नहीं तो फिर 2 मार्च को देखना होगा कि ईडी के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट आगे क्या सुनवाई करती है। राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष सीबीआई और ईडी के न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में सारी सुनवाई चल रही है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि तब तक क्या सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना देता है या फिर आगे इसमें सुनवाई कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन जब तक कानून की बात है तो इसमें जब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है तब तक निचली अदालत उस पर सुनवाई नहीं करेगी। संजय शर्मा, दिल्ली।